चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जब तक वो बिल्कुल फाइनल नहीं होगा, आज आप कहोगे तो भी हम यहाँ से नहीं जाने के। किसान बहुत पीड़ित है और पीड़ा में ही अपनी आवाज प्रशासन के पास लेके आता है। सरकार हमें बहुत नीचा दिखा रही है, हम मतलब बाहर नहीं निकल सकते। सुरक्षित पहला कहते हैं महिला सुरक्षित नहीं है, नहीं अब सुरक्षित नहीं है महिला। रात को बिजली बढ़ जाए, दिन में नहीं आते, रात को लोगों का गेट खुलवा रहे जब गेट भी खोलते अंदर चप्पल से चढ़ जाए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। दो बात है इसमें, एक तो पल्ले सिंह वाला मुकदमा, जब तक वो बिल्कुल फाइनल नहीं होगा, आज आप कहोगे तो भी हम यहाँ से नहीं जाने के। हमें पता है यहाँ से जाने के बाद पहले मारी गई कितनी हरकत हो रही, 5000 खंबे अवैध रूप से, अवैध जो अवैध कॉलोनियां है उसमें जेई ने, एसडीओ ने, एक्शन ने इकट्ठे होकर लगवा रखे। इस हिंदुस्तान में जो प्रॉफिट उसने दिया, पूरे भारत को जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया सिर्फ बीएसएनएल ने दिया, उसे बेच क्या खा गए। आज यहाँ पे जो अनिश्चितकालीन धरना हुआ है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे धरना हो रहा है? ये बिजली विभाग द्वारा जो किसानों पर अत्याचार हो रहा, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे, किसानों से छल से पैसा ठगा जा रहा, इसी विरोध में ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन, मजबूरी में किसान को बैठना पड़ा, रोड पाना पड़ा। एक गन्ना पेमेंट है, किसान का कोई गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा। आवारा पशु है, आवारा पशु किसान के खेत बर्बाद कर रहे, और जो पानी आने से किसान की फसल बर्बाद हुई उसका मुआवजे के लिए। किसान बहुत पीड़ित है और पीड़ा में ही अपनी आवाज़ प्रशासन के पास लेके आता है, प्रशासन उसकी फिर अनदेखी करे। पहले धरना हुआ था, जिन चीज़ों पर समझौता हुआ, धरना समाप्त हुआ, उन पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने ईमानदारी से अमल नहीं किया। एक भूमि अधिग्रहण का मामला शामली जिले का बहुत मुख्य मुद्दा है किसानों का। आज बाजार भाव में और सर्किल रेट में 3-4 गुने का अंतर है। हमें 4 गुना मुआवजा मिलकर भी 9 लाख 9.5 लाख रुपये प्रति बीघा के मिले हैं, जबकि बाजार का भाव 11-12-13 लाख रुपए जो खेत की जमीन है उसका भाव है। आज यहाँ पे क्या, ये गाड़ी क्या लेके आए हो आप? ये किसानों के लिए गुरु नानक जी का लंगर है, ये कोई भी आदमी छक सकता है, ये गुरु नानक जी का लंगर है, ये तो एक जीवन खाना है। हाँ जी, ये किसानों का यहाँ पे धरने का पता लगा तो ये लंगर की व्यवस्था गुरु नानक जी के घर से लंगर की सेवा करने के लिए मौका मिला। जितने दिन भी धरना चलेगा, महीने, 2 महीने, 6 महीने, गुरु नानक के यहाँ से लंगर आते ही रहेगा। किसानों को समय से गन्ना पेमेंट भी नहीं दिया जाता, तो कैसे किसान परिवार एक मैनेज कर रहा है? मैं एक किसान हूँ, किसान की बेटी हूँ, किसान के ही मैं ब्याही हुई हूँ, ठीक है। बहुत बहुत दिक्कत आ रही, इतनी दिक्कत कभी नहीं आई, बचपन से आज तक इतनी दिक्कत नहीं आई जितनी अब आ रही है। 1 साल से ज्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ जी, मुफ्त सिलेंडर देखा है, अरे इतना सिलेंडर पे इतना भाव बढ़ा दिया कि हम सिलेंडर नहीं ले सकते। और लुगाई मतलब महिलाओं ने गोबर पातना बंद कर दिया था, वो खड़े बनाने फिर से लगी बनाने, फिर से चूल्हा से लगाना शुरू कर दिया। सरकार हमें बहुत नीचा दिखा रही है, हम मतलब बाहर नहीं निकल सकते। सुरक्षित पहला कहते भाई महिला सुरक्षित नहीं है, नहीं अब सुरक्षित नहीं है महिला, पहले सुरक्षित थी अब सुरक्षित नहीं है। जैसे हम खेत में जा रहे हैं ना, कान पैर दें महिलाओं के, गंदी निगाह से लखावे महिलाओं की तरफ, अब सुरक्षित नहीं है, पहले सुरक्षित थी महिला। इन मुद्दों पर काम होना चाहिए कि ताकि किसान खुश रह सके। रात को बिजली बढ़ जावे, दिन में नहीं आते, रात को लोगों का गेट खुलवा रहे मतलब लेडीज हो चाहे कोई हो, जब गेट भी खोलते अंदर चप्पल से चढ़ जावे।
मतलब मैं छापे मारे जो मैं गांव में थोड़े घने गांव में पीछे ले थोड़े घने भी लोग तो ले लिया बिजली घर वाले कुछ बहुत परेशान कर रखे किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जय जवान जय किसान पापा श्याम सिंह जब तक किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये धरना बरकरार चलता रहेगा। किसान यूनियन गरीब की भी इतनी है, साहूकार की भी इतनी है, किसान की भी इतनी है, मजदूर की भी इतनी है। हर किसी वर्ग का ध्यान रखने का काम किसान यूनियन करती है। आज अगर कोई अधिकारी आवे और समस्या का समाधान टोवे तो धरने प्रदर्शन में कुछ तब्दील हो सके, अन्यथा अनिश्चित के लिए धरना चलेगा। चाहे एक भिन्ना हो जाओ, चाहे दो भिन्ने हो जाओ, 12-12, 13-13 महीने भी किसान आंदोलन चला के देख ली। तो इस तरह के पुस्तक में वो देते लोगों को।